सो गाइस, बिग बॉस के घर के अंदर हुई फाइट विवेन और श्रुतिका के बीच में, और इस बार श्रुतिका पड़ी विवेन के ऊपर भारी और उसकी बोलती बंद कर दी। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ घर के अंदर। फाइट की शुरुआत विवेन से होती है, जहाँ पर विवेन श्रुतिका को कहता है कि आप मेन्यू के अंदर एक सैलेड बढ़ा दीजिए क्योंकि वो खराब हो जाएगा। जिसके बाद फिर श्रुतिका चिढ़ते हुए ये कहती है कि जब अविनाश जेल के अंदर था और जब खाना सड़ रहा था तब आपने खाने के बारे में ख्याल नहीं रखा। विवेन कहता है कि तब मैं टाइम गॉड नहीं था और मैं अब टाइम गॉड हूँ तो मुझे घर की फिक्र करनी पड़ेगी। श्रुतिका कहती है कि जब अविनाश जेल के अंदर था तब आपकी वे ऑफ टॉकिंग काफी अलग थी और अब मैं जेल के अंदर हूँ तो अब आप मुझसे काफी अलग लहजे में बात कर रहे हो। जिस पर फिर सभी घरवाले सहमति देते हैं और फिर श्रुतिका भी ये कहती है कि आप काफी सिलेक्टिव हो, आप सिलेक्टेड लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो और मेरे साथ अलग, शहजादा के साथ अलग और चाहत के साथ अलग करते हो। विवेन भी चिढ़ जाता है और कहता है तो वो मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ कैसे बात करूंगा। इसके बाद फिर करण शिल्पा जी को कहता है कि देखो आपका चॉइस करा हुआ टाइम गॉड क्या फालतू की बातें कर रहा है, यहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि यहाँ पर वो गलत है, मगर वहाँ पर शिल्पा जी उसको कुछ भी नहीं कहती। फिर शहजादा भी विवेन से लड़ता है और कहता है कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रही है। और इस फाइट के दौरान श्रुतिका ने जो जो मुद्दे उठाए थे वो काफी वैलिड थे, जिस पे विवेन की बोलती बंद हो गई और वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। और सच में श्रुतिका ने काफी अच्छे मुद्दे खड़े करे थे क्योंकि विवेन अपने मेल ईगो में रहकर घर वालों से काफी बुरा बर्ताव करता है और इस पूरे मुद्दे पर शिल्पा जी चुप ही रही थी। सो गाइस, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।